हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन वर्क अनिल से स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे पास एक कंबाइन बोर्ड है जो कि 6 एम्पियर का है, जिसे हम गैंग बॉक्स भी कहते हैं। दोस्तों आज इसका कैसे कनेक्शन किया जाता है वो देख करेंगे। पहले इसको हम इसका स्क्रू खोल लेते हैं। दोस्तों ये हमारे पास 5 टर्मिनल हैं, 1 2 3 4 5। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक तार का टुकड़ा लेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने तार का टुकड़ा ले लिया है, छील लेंगे दोबारा से। छीलने के बाद तो गाइस एक टर्मिनल, ये टर्मिनल में हम इसको खोल लेंगे, इसको एक इस टर्मिनल में लगा देंगे, फिर इसी तार को इसका दूसरा टुकड़ा, दूसरा सिरा इसको इसमें लगा देंगे इस टर्मिनल में। ये हमारा लग के तैयार हो गया है। अब गाइस दो तार लेंगे जो कि बोर्ड में जो लगती है, तो सीधा ये दो तार हमने लिया है, उसको हम इस बॉक्स के अंदर खींच लेंगे। एक गाइस एक वायर इस टर्मिनल में हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इसको हम टाइट कर देंगे अच्छे से। फिर दूसरा इसका तीसरा तार हम इस टर्मिनल में जोड़ देंगे। गाइस हमारा बस एक ये टर्मिनल रह गया है गाइस, जिसमें हम अर्थिंग की तार लगाते हैं। गाइस अगर आपके घर में अर्थिंग की तार आ रही हो तो वो लगा देना, नहीं तो नहीं आ रही तो कोई बात नहीं है। गाइस हमारा ये कंबाइन बोर्ड तैयार हो गया है लग के, और इसको हम फिट कर लेते हैं, फिर इसको आपको हम चेक करके दिखाएंगे काम कर रहा है कि नहीं बोर्ड हमारा। तार का सिरा पकड़ेंगे गाइस, ये तार का सिरा है गाइस इसका, अब इसको हम बोर्ड में लगा देंगे। गाइस एक होल्डर लेंगे, होल्डर प्लग, ये हमने होल्डर प्लग ले लिया गाइस, होल्डर प्लग। ये हमारा लग के तैयार हो गया, ये देखो ये हमारा वर्क काम कर रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।